जनपद गोरखपुर ग्राम सभा लक्ष्मीपुर टोला नगवा में सफाई कर्मी साफ सफाई करने नहीं आते। ग्रामीणों का कहना है जब से दिनेश निषाद बने प्रधान बने हैं तब से कोई सफाई कर्मचारी सफाई करने नहीं आता। गांव में आरसीसी रोड के बीच में नाली बनी है, जो चैम्बर बना उस पर भी कोई ढक्कन नहीं है। ग्रामीणों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। नाले में कितने लोग गिर चुके हैं, चोटीले हो गए। नाले का जो चैम्बर है वह खुला है, उसमें से छोटे बच्चे भी गिरते हैं और उन्हें चोट आती है। कोई जानवर गिर जाता है, उनकी जान चली जाती है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? प्रधान जी को सूचना दी। प्रधान जी का कहना है बजट नहीं है, आएगा तो करवाऊंगा, अभी बजट नहीं आ रहा है तो क्या करूं। बाबूलाल गुप्ता एके मिश्रा के साथ खास रिपोर्ट उद्घोष समय। अरे तब जब उनसे बैठिए बैठिए तो गांव थोड़ी होकर तब उठ ही देता था। जी लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश से हेड एके मिश्रा। आज मैं गोरखपुर जिले के नगवा टोला लक्ष्मीपुर में पहुंचा हूं और यहां पे जो है मैं ग्रामीणों से कुछ शिकायतें थी जो प्रधान जी का, उस शिकायतें के बारे में मैं सफाई करने कवरेज के बारे में पहुंचा हूं। जो कि ग्रामीणों का कहना यह है यहां पे कुछ धांधली प्रधान द्वारा किया गया है और कुछ शिकायतें जो है यहां पे सफाई कर्मी द्वारा किया गया है, जो कि आपको दिखा दे रहे हैं। इस ग्रामीण क्षेत्र में ये जो आरसीसी लिंक बना हुआ है, आपको आरसीसी लिंक पे देखिए यहाँ पे जहाँ पे चैम्बर बनाया गया है, चैम्बर को बीचों बीच में बनाया गया है। इस चैम्बर में सीधे आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ पे चैम्बर होना चाहिए वहाँ नहीं, बल्कि ये सीधे अगर इस रास्ते पे कोई अगर फोर व्हीलर गाड़ी चार पहिया वाहन लाना हो तो आने में बहुत ही कठिनाइयां उठानी पड़ेगी, क्योंकि चैम्बर का स्थान जो बना है बहुत ही बेकार जगह पे बना है जहां बनना नहीं चाहिए, और वो भी उस चैम्बर पे ढक्कन नहीं लगा हुआ, पूरा नंगा करके दिखाया जा रहा है। और गृह जनपद के मुख्यमंत्री के गृह जनपद में इस तरीके से भ्रष्टाचार लोपी कर्मचारियों के साथ क्या होना चाहिए, इसका श्लोक अब आगे चल के बताते हैं कि ग्रामीण क्या कहेंगे इसके विषय में। मैं ग्रामीण के यहाँ एक चाचा जी बैठे हैं और उनसे पता करता हूँ कि सर आपका क्या नाम है चाचा जी? भारत जी आप कहाँ के निवासी हैं? नगवा। ये नगवा जो आपके ग्राम सभा है यहाँ पे जो ये ढक्कन लगाया गया है सर, क्या चार पहिया वाहन इस रास्ते पे आ सकती है? नहीं आ सकती है। और आप बताइए आवास वास आपको मिला है? मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी का योजना जो चल रही है जो ग्रामीण क्षेत्र में आवास लोगों को नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला है, वृद्धा पेंशन बनता है, क्या ये सब आपको फायदा लाभ यहाँ मिल रहा है या कि नहीं? नहीं मिला। तो आपको क्या, आप भी कुछ समय पहले कह रहे थे किसी से कि आपको यहाँ पे शौचालय आपका जो आवास आया था कट गया, ये क्या मतलब है? नहीं तो हमारा तो शौचालय मिला है हमारा मिला हुआ। एक शौचालय मिला है, खाली घर कट गया। घर आपका आया था कट गया? हाँ। तो आपने पता लगाया घर क्यों कट गया है? प्रधान जी से आप पूछे हैं कि घर मेरा क्यों आया कट गया? प्रधान जी वो सब साइन वाइन सब सब सही कह दिया हाँ। बिचाऊ पुल में के काट दिया हाँ। दो मंत्री थे उसमें ना। अच्छा दो लोग थे हाँ। बबीतवा सेक्रेटरिया उनके 1500 दहले वादी हम साफ बोली दे 1500 रुपया दिए भी हैं सेक्रेटरी को हाँ। घर नहीं आया तो अपने ते ही हम बनवा थे खेती में। अच्छा मकान आया नहीं आपको? नहीं। तो ऐसा है कि मकान नहीं आया, सेक्रेटरी को 1500 रुपया किस लिए दिए थे? अरे ये कहीं पास कहीं देवे तुम्हार मिल जाएगी और क्या। देखिए इस ग्राम सभा में ये भी एक मामला सामने आया कि हमारे जो अधिकारी कर्मचारी जिसको हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री एवं राजकोष पेटिका से जिनको सैलरी मिलती है वही आला अधिकारी यहाँ पे 1500 रुपए का डिमांड करके यहाँ पे लिए हैं 1500 रुपए चाचा जी से आवास पास कराने के नाम पे। ऐसे ही भ्रष्टाचारी लोग देश को खाने में जुट गए हैं। अब देखना यह है कि और ग्रामीण के यहाँ के लोगों का क्या कहना है, क्या सच ग्राम सभा को आगे या नहीं, हमारे आगे तक की खबर तक का है। शकुंतला एक जिला कौन सा पड़ता है? गोरखपुर। एक गांव कौन सा बोलता है? नगवा में। क्या परेशानी आपको बताइए? परेशानी बात चैम्बर फूट गया, लड़का वहीं गिर गया, कनई से भांस गया। सफाई करनी नहीं आते? सफाई करनी नहीं आता है, कोई नहीं आता है, प्रधान नहीं आता है, और बिजली ऐसा रह जाता है, तार और गिरा फूटा ऐसा रह जाता है, खम्भा ऐसा रह जाता है।
एक आध दूजनी और बता दी तरवा खम्मा खम्मा पर टांगा है पाँच साल खम्मा खम्मा टांगा है पाँच साल से टांगा है तू नहीं बोला तू घरे नहीं रहे लू पढ़ावा ना हमके बावजूद का होला तू हट जा दिमाग ना खराब करो मैं क्या नाम है आपका सिरताज नाम है कौन से ग्राम सभा पड़ता है आपका लक्ष्मीपुर लक्ष्मीपुर और जिला कौन सा पड़ता है गोरखपुर गोरखपुर तो आप गोरखपुर जिला के निवासी लक्ष्मीपुर ग्राम सभा के हैं ये बताइए आपके वहाँ ये जो नाली सब बनी हुई है इसे चमाचम चमक रहा है या सफाई कर्मी लोग डेली आते हैं क्या नहीं नहीं डेली कहाँ आते हैं कितना दिन हो गया नहीं आया महीनों से गायब है सफाई कर्मी अब जब से जितना जब से जितना तब से कुछ नहीं अच्छा प्रधान का क्या नाम है प्रधान का दिनेश नाम दिनेश नाम प्रधान कहाँ के हैं दरमहा के प्रधान सफाई कर्मी जब से प्रधान जी जीते तब से सफाई कर्मी नहीं आए नहीं। और नलिया साफ कौन कर रहा है हमने साफ कर दिया गंगा का देखिए भैया यहाँ का मकसद ये है कि सबसे बड़ा काम तो ये है सफाई कर्मी मलाई काट रहा है बैठ के और प्रधान जी जब से जीते सफाई कर्मी तब से जाके बाबू बन गए हैं अब ये बताइए ऐसे अधिकारियों पर क्या कसा जाए तमंजा आगे की तक जिल रहे कि मलाई काटने में नदारद रहेंगे या मलाई सफलता पूर्वक से काटा जाएगा या फिर यहाँ पे कार्य आगे प्रोग्रेस पे चलेगी जय हिंद जय भारत।